पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, मिड डे मील प्रोग्राम के क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े तो देखते हैं। अभी मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल। स्टूडेंट जो गरीब बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट बढ़ गया है स्कूल में, मीन्स उनके एडमिशन ज़्यादा होने लग गए हैं। इसके साथ साथ वो रेगुलर स्कूल भी अटेंड करने लग गए हैं। तो एक तो स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बढ़ गया है और उसके साथ साथ वो स्कूल में रेगुलर जाने लग गए हैं। किसकी वजह से? मिड डे मील स्कीम की वजह से। मदर हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। स्टूडेंट्स, पहले क्या होता था कि जब बच्चे रिसेस के टाइम में घर खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए जाते थे तो माँ को भी अपना काम छोड़ करके बच्चे को खाना खिलाने के लिए घर पे आना पड़ता था और उनका काम इंटरप्ट हो जाता था, उनका काम रुक जाता था। लेकिन अब जब बच्चों को स्कूल में ही खाना मिलने लग गया मिड डे मील स्कीम के तहत, तो अब बच्चों को भी घर नहीं जाना पड़ता और माँ को भी अपना काम बीच में छोड़ के नहीं आना पड़ता। दिस प्रोग्राम हैज़ आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस्ड कास्ट प्रिजुडिस बिकॉज बोथ लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट देयर मील टुगेदर। स्टूडेंट्स, जो कास्ट प्रिजुडिस हैं, कास्ट से रिलेटेड जो पूर्वाग्रह हैं, प्रिजुडिस क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम किसी व्यक्ति को जाने बिना, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी लिए बिना उसको जब हम ट्रीट करने लग जाते हैं, उसके बारे में अनुमान लगाने लग जाते हैं गलत या सही का, उसको बोलते हैं कास्ट प्रिजुडिस। तो स्टूडेंट्स, कास्ट का सिस्टम भी कम हो गया है क्योंकि लोअर और अपर कास्ट के लोग मिड डे मील के दौरान साथ खाना खाते हैं। इससे कास्ट के जो बंधन थे, जाति प्रथा को भी ख़त्म करने में मदद मिली है। दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। और स्टूडेंट्स, जो लोअर कास्ट की महिलाएं हैं, जिनको दलित महिलाएं भी कहते हैं, वो खाना बनाती हैं अपर कास्ट के बच्चों के लिए या लोअर कास्ट के बच्चों के लिए, सोसाइटी के सभी बच्चों के लिए अब दलित महिलाएं खाना बनाती हैं। इससे भी कास्ट के बंधन थोड़े ढीले पड़े हैं। द मिड डे मील प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स हु ऑफन कम टू स्कूल एंड कैन नॉट कंसंट्रेट बिकॉज देयर स्टमक आर एम्प्टी। स्टूडेंट्स, मिड डे मील प्रोग्राम ने अब है ना पुअर स्टूडेंट्स की भूख को भी कम कर दिया है, मीन्स वो भूखे रहते थे पहले और अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, तो अब उनकी जो आपके पेट भर जाता है उनका मिड डे मील की वजह से, और वो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दे पाते हैं। इट इज़ डिसग्रेसफुल, ये कोटेशन है स्टूडेंट रिकॉग्निशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कही है, कई बार एनटीसी में आ जाती है। मैन इज मोर्टल सेल्फ रिस्पेक्ट, ये भी कोटेशन है और ये भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कही है। 26 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन यूएसए। यूएसए में स्टूडेंट्स इक्वलिटी के लिए काफ़ी स्ट्रगल हुए क्योंकि यूएसए के अंदर भी ब्लैक और वाइट के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है, क्योंकि ब्लैक लोग थे जो वो अधिकार चाहते थे लेकिन वाइट लोग उनको अधिकार नहीं देना चाहते थे। तो अफ्रीकन अमरीकन थे स्टूडेंट्स ब्लैक, जिनको ब्लैक अमरीकन भी कहते थे, या अफ्रीकन अमरीकन या एफ्रो अमरीकन भी उनको बोला जाता था। तो अफ्रीकन अमरीकन कौन थे? Whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa? Students, जिन के ancestor होते हैं पूर्वज, जिनके पूर्वज गुलाम थे और वो है ना स्लेव के रूप में अफ्रीका से लाए गए थे, तो उन वो कौन है? अफ्रीकन अमेरिकन। तो जो गुलाम के रूप में प्लांटेशंस में काम करने के लिए अमेरिका लाए जाते थे अफ्रीका से, वही अफ्रीका के लोग कौन थे? अफ्रीकन अमेरिकन, ये ब्लैक अफ्रीकन या ब्लैक अमेरिकन भी इनको कहते हैं। देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल। स्टूडेंट्स, अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन की लाइफ काफ़ी अनइक्वल है, मींस उनके साथ इक्वलिटी का व्यवहार नहीं होता, उनको समानता नहीं है। दे वर डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, कानून के थ्रू उनको इक्वलिटी नहीं मिलती थी। पहले की बात मैं कर रहा हूँ, ये सिविल राइट मूवमेंट से पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका में अनइक्वलिटी का व्यवहार किया जाता था, आज भी होता है लेकिन पहले से थोड़ा कम हो गया। लेकिन सिविल राइट से पहले अनइक्वली ट्रीट किया जाता था ब्लैक को, और कानून बना दिए जाते थे और कानूनों के तहत उनको इक्वलिटी मीन्स समानता नहीं दी जाती थी। फॉर एग्जांपल,
They either had to sit at the back of the bus or get up whenever a white person wished to sit. Students, उनके साथ इतना inequality का व्यवहार होता था, असमानता का इतना व्यवहार होता था black के साथ अमेरिका में, जब वो बस में बैठे होते थे, चाहे तो बस में उनको पीछे बैठना होता था, अन्यथा यदि कोई white means कोई गोरा आदमी आ जाता था बस में, तो उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। सिविल राइट्स मूवमेंट की बात हम करते हैं स्टूडेंट्स, जिस सिविल राइट मूवमेंट्स के तहत अमेरिका में ब्लैक को अधिकार मिले, तो सिविल राइट मूवमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है ब्लैक लोगों को अमेरिका में अधिकार दिलाने के लिए। स्टार्टेड इन द लेट 1950s में स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स ये, टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को इक्वल राइट दिलाने के लिए 1950 में जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं सिविल राइट मूवमेंट, और मार्टिन लूथर किंग इसका बहुत ही बड़ा लीडर रहा है, तो ध्यान रखें उसके बारे में। रोजा पार्क्स 1913 से 2005 के बीच में इसका लाइफ स्पेन है, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग वे एट वर्क, सी रिफ्यूज टू गिव हर सीट ऑन ए बस टू ए वाइट मैन ऑन दिसंबर 1st, लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे आप 1st दिसंबर, ध्यान रखें ये मैं छोड़ गया था फैक्ट, 1st दिसंबर 1955। स्टूडेंट्स रोजा पार्क्स ने 1st दिसंबर 1955 को एक गोरे आदमी को बस में सीट देने से मना कर दिया, क्योंकि वो पूरे दिन काम करके टायर्ड थी, थकी हुई थी, लेकिन एक गोरे आदमी ने उसको सीट देने के लिए बोला तो उसने मना कर दिया, तो जैसे उसने मना किया तो उसके साथ गलत व्यवहार हुआ गोरे आदमी ने, क्योंकि वो ब्लैक थी, अफ्रीकन अमेरिकन थी वो, तो एक गोरे आदमी ने उस ब्लैक रोजा पार्क्स के साथ में अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन के साथ में गलत व्यवहार किया और उसको सीट से उठाने का प्रयास किया, लेकिन उसने मना कर दिया, और फिर उसने और भी ब्लैक लोगों को जोड़ करके अमेरिका में सिविल राइट मूवमेंट की स्टार्टिंग कर दी। तो 1st दिसंबर 1955 को जब रोजा पार्क्स ने एक वाइट आदमी को अपनी सीट देने से मना कर दिया 1st दिसंबर 1955 को, तो उसी दिन से आपके सिविल राइट मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है यूएस में। ब्लैक लोगों ने ये मूवमेंट चलाया था अधिकार लेने के लिए। दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स ये कौन सा, 1st दिसंबर 1955 जब रोजा पार्क्स ने एक वाइट आदमी को सीट देने से मना कर दिया। सिविल राइट्स एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट स्टूडेंट ये 1964 में होगा, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, तो आप इसको है ना 1964 करें, तो सिविल राइट एक्ट कब पास हुआ 1964 में, 1946 नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखें 1964 है ये 1964। इट प्रोहिबिटेड, तो सिविल राइट एक्ट वो था स्टूडेंट्स जो एक्ट या कानून, एक्ट को कानून भी कह देते हैं, जो एक्ट या कानून ब्लैक लोगों को अमेरिका में अधिकार देने के लिए लाए गए उसको बोलते हैं सिविल राइट एक्ट। तो 1964 में सिविल राइट एक्ट पास हुआ। इट्स प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस रिलीजन एंड नेशनल ओरिजिन, और किसी भी आदमी को रेस के बेस पे, रिलीजन के बेस पे या नेशनल ओरिजिन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, ये कहा गया सिविल राइट एक्ट में स्टूडेंट्स। इसमें रेस, रेस चाहे आदमी की कोई भी हो,